वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आप लोगों की ढेरों फरमाइश पर चिकन शाशलिक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारा पैन जो है प्री हीटेड है, उसमें सबसे पहले हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। अब उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर और 1 टीस्पून भर के गार्लिक पेस्ट। इसको हम सॉटे करते हैं अराउंड 30 सेकेंड। बस 30 सेकेंड हो गई है। अब हम इसमें अपनी चिकन ब्रेस्ट डाल देंगे जो कि हमने मीडियम पीसेस करवाए हैं और 2 पाउंड है, तो वो हम डाल देते हैं। हमारा चूल्हा जो है हाई पे है, मज़ेदार बनाएंगे, चावलों के साथ खाएंगे, रोटियों में भी खा सकते हैं, बिना किसी चीज़ के भी खा सकते हैं और नूडल्स में भी खा सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून सिरका। एक टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर की या मैगी की 2 क्यूब। दो टेबलस्पून वर्सटरशायर सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। हमने चिली गार्लिक सॉस बनाया था और उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ। और ये गया हमारा 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून शुगर, 5 मिनट्स के लिए। और आंच हमारी कर देते हैं मीडियम हाई पे। देखिए 5 मिनट हो गई है, अब जबरदस्त किस्म की इसमें धुएं निकल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपने वो मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखें, ज़बरदस्त सी है। उसको बस मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है तो अब वो चला जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हमने कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर, कॉर्न सूप वाला डाला है, और उसमें हमने 6 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। तो अब बेसिकली हम इसका सॉस बनाने के लिए ये डाल देंगे इसमें। इस तरह का ये जो कॉर्न स्टार्च और पानी डालने का जो स्लरी जो है वो मैंने बहुत सारी चाइनीज वीडियो में बनाया हुआ है, जो मैंने बनाई है, तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। चले अब इसमें हम डाल देंगे, ये देखें हमारी एक हमने तेज लाल मिर्च ली है, उसको हमने 4 बड़े बड़े टुकड़ों में डाल दिया है, आप चाहें तो हरी भी ले लें। एक हमारी ये ग्रीन बेल पेपर है, एक येलो है, एक ऑरेंज है और एक प्याज पर्पल है, तो अराउंड 2-2 कप है सब। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम, और ये लास्ट में ही पड़ेगा
हमारी ग्रेवी हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी ग्रेवी चाहिए, उससे बस थोड़ी देर पहले या फिर हम ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। चले अच्छे से हमारी पेपर्स भी और अनियन भी एक दो मिनट हुए गए हुए, अब हम इसमें अपनी पसंद के हिसाब से पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। थोड़ी चाहिए तो कम डाल दें, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, डिपेंड्स कि आप रोटियों के साथ खा रहे हैं, चावलों के साथ खा रहे हैं, आपकी चॉइस क्या है। ये हमने 2 कप पानी डाल दिया। चले अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं जब तक हमारी ग्रेवी थिक ना हो जाए और हमारी आंच जो है हम वो हाई पे कर देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गई, अब हम खोल के देखते हैं। वाओ गजब का, चले अब हम चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखा कैसा झटपट बन गया। चले अब हम इसे ट्राई करते हैं चावलों के साथ। इतना मज़े का है। और ग्रेवी कम्प्लीटली आप पे है, आप चाहें तो आधा कप डाल लें, 1 कप डाल लें, 2 कप डाल लें, मेरे जितनी। शोरबा ना रखना हो तो ना रखें आप, लेकिन हमारे ये पसंद किया जाता है। बस ज़बरदस्त, इतनी सिंपल और मज़ेदार सी है, चटपटी भी है, कुछ फ्यूजन सी है। थोड़ी थोड़ी देसी लग रही है और थोड़ी थोड़ी चाइनीज़ लग रही है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।